हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना का चैनल पे। सो नाइली डिस्ट्रिक्यूसी और दिल्ली का जो रिक्रूटमेंट है आपका, उसका एग्ज़ाम आपको पता ही है, जैसे कि फॉर्म आउट हो चुके हैं। ओके, और उसके लिए आपका ये है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगा आपका, सीएससी और आईटी वालों के लिए रहेगा, दोनों पोस्ट के लिए आपके, साइंटिस्ट भी एंड एसटीए के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए। तो सभी चीज़ें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। एक्सपेक्ट एग्जाम डेट, आपका सिलेबस पैटर्न कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें आज है। ठीक है, तो ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है आज का ये। और 9th of July आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, जिन्होंने नहीं भरा है कंपलसरी फॉर्म भर दो। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं टाइम स्टैम्प क्या क्या है आज के। तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एक प्रॉपर माइंडसेट आपका होना चाहिए। ठीक है, आपके क्या डाउट्स है, क्या आपके मिथ्स है, क्या स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, किए हैं लास्ट टाइम, ये सब आपको बताना चाहिए। तो वही चीज़ें मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सेकेंड, डिटेल सिलेबस का आपका डिस्कशन होने वाला है। ओके, और बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाला है, अलग वे से रहने वाला है ये। थर्ड जो है आपका नाइलेट टेस्ट पैक जो ऑलरेडी है, तो जैसे मैंने फेब्रुआरी में आपको बोला था कि अगर अपने को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो डेफिनेटली इसमें चेंज करूंगा मैं, और वही चेंज के बारे में आज अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं। तो जो लोगों को प्रॉब्लम लगा था, राइट, एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा ही मैं। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम था और कैसे मैंने क्या किया है, तो ये इसके बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले जिन्होंने भी ऑलरेडी पैक लिया है, सब्सक्राइब किया है ऐप पे अपना, आईलेट एसटीक्यूसी करके एक बैच क्रिएट किया है मैंने। ठीक है, तो वो कंपलसरी आपको ज्वाइन करना है। ओके, तो ऐप का लिंक आपको उधर से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट से, उधर से ऐप डाउनलोड करो, मुझे मैसेज करो, आपको बैच में ऐड कर दूंगा, जिधर मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये अभी एक नया है, इसके वजह से मुझे भी ट्रैक रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये कंपलसरी ज्वाइन करना है जिन्होंने ऑलरेडी लिया है, और जो नए लेने वाले उनको भी सेम करना है। नेक्स्ट है, कैसे आप बेस्ट रैंक ला सकते हो, उसके लिए क्या रूटीन होना चाहिए आपका। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपके मेन, आपके आज 4 टाइम स्टैम्प रहेंगे इस वीडियो के। तो एक एक करके अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट अपना पॉइंट है माइंडसेट। ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट आएगा कि दोनों पोस्ट को अप्लाई करना है कि नहीं। तो डेफिनेटली आपको दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना ही है। ठीक है, क्यों अभी देखिए, तो जैसे कि आपको बताया कि वैकेंसी अपना रिवाइज हो चुका है, राइट। तो अभी जो CS है उनको साइंटिस्ट बी के लिए टोटल 5 वैकेंसी है। ओके, और जो आपका STA है उसके लिए आपको 16 वैकेंसीज है। जो IT वाले हैं आपको साइंटिस्ट भी में मिलने वाले 3 वैकेंसी, और इधर आपको है 13 वैकेंसी। ठीक है, तो दोनों फॉर्म अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, क्योंकि इधर 5 वैकेंसी सिर्फ है। ओके, लेकिन आप दोनों के लिए अगर फॉर्म भरोगे तो आप फाइट करोगे 21 वैकेंसीज के लिए। ओके, सी मेन अपना मोटो जो है, मेरा मोटो क्या है ये वीडियो के पीछे, 2021 में गवर्नमेंट जॉब लगना चाहिए कंपलसरी। ओके, उसके लिए जितना भी हो सके उतना मैंने किया है, और ये अभी वीडियो आपको दे रहा हूँ उसके, ये मतलब एटीट्यूड रख के वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, तो वही एटीट्यूड आपका होना चाहिए, चाहे वो साइंटिस्ट बी में लगे, एसटे में लगे, या दोनों में लगे। ओके, ऑब्वियसली दोनों में लगा तो आपको यही सिलेक्ट करना है, ये तो पक्का है, लेकिन अगर एसटे भी मिला तो चलेगा। ओके, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 17.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ओके, तो फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि इधर से एक तो इधर आते हैं। ओके, जो कि आपके ST पब्लिक हो गई, बाद में फिर कुछ भी कर सकते हो आप, एक बार सिक्योरिटी मिल गया तो बाद में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टारगेट रहेगा। IT वालों के लिए भी सेम, टोटल 16 वैकेंसीज के लिए आप फाइट कर सकते हो, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ओके, सेकेंड लेवल क्या रहेगा, ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए सर हम अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेवल क्या रहेगा, साइंटिस्ट बी का लेवल क्या रहेगा और ST का लेवल क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिफिक CAC और IT के लिए बोलूँ, ठीक है, क्योंकि इसी का तो अलग बात है, लेकिन CAC IT के लिए जो लेवल है, ओके, एक्चुअली दोनों का लगभग इक्वली है। ओके, लगभग इक्वली है, और ये लास्ट ईयर प्रूव हो चुका है, नाइलेट ने जो एग्जाम पैटर्न उनका चेंज किया, जो एक्सपेक्टेड था कि साइंटिस्ट भी का अच्छा लेवल का आएगा, लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चंस, एसटे में भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस, तो लगभग इक्वल है, और सेम पैटर्न इस साल भी फॉलो होगा, ये तो गारंटी है। ठीक है, सेम पैटर्न इस साल भी फॉलो होगा, तो आपको वही फॉलो करना है, इसलिए लगभग इक्वल लेवल होगा, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट भी का प्रिपरेशन अपना थोड़ा अच्छा होना चाहिए एसटे के कंपैरिजन में, राइट। तो इधर तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके रहेंगे ही, थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग के आगे क्वेश्चन तो रहेंगे, न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग के, जैसे आपको कंप्यूटर नेटवर्क में न्यूमेरिकल भी है, प्रोग्रामिंग में आपका आता है एल्गोरिथम, ओके, प्रोग्रामिंग जावा वो सब है, सी प्रोग्रामिंग आपका है, साइंटिस्ट भी में भी प्रोग्रामिंग आपको करना ही है। ओके, क्योंकि कुछ भी चेंज अगर हुआ तो आप कैपेबल होना चाहिए उधर एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये अपना टारगेट है। तो इस तरीके से ये दोनों पेपर का लेवल रहने वाला है, तो लगभग मान के चलो कि सेम ही होने वाला है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन है और आपका डाउट रहेगा कि सेम डे एग्जाम होगा कि नहीं, तो यस, ये एग्जाम सेम डे होगा। ओके, एक तो आपका मॉर्निंग में होगा, एक आपका आफ्टरनून में होगा, बीच में आपको 3-4 घंटे का गैप भी मिल जाएगा, या मैक्सिमम 2-3 घंटे का, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड है।
तो एक तो मॉर्निंग में साइंटिस्ट भी रहेगा, नहीं तो एसटी रहेगा, आफ्टरनून में भी एक तो उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा, ठीक है? तो ये ऐसा रहेगा आपका, तो एक ही दिन आपका दोनों पेपर हो जाएंगे, तो ये 3 घंटा 6 घंटा और ये इधर के 2 घंटे, सपोज 8 घंटा है आपको एक दिन में देना है दोनों पेपर के लिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होने वाला है इधर कि सेक्शनल कट ऑफ, ओके, ये आपका क्वेश्चन नहीं है अभी, ये आपको मैं बताऊंगा क्या है। तो जो लास्ट ईयर आपको पता है जैसे कि 2021-20 में, ओके, जो रिक्रूटमेंट हुआ था, डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे अभी जिनका नहीं हुआ है और वो फिर से अप्लाई करेंगे, किया है मतलब अप्लाई, इसलिए आप वीडियो देख रहे हो ये, ठीक है? सबसे ज़्यादा मिस्टेक इधर कैंडिडेट ने की, क्योंकि जो रिजल्ट के बाद मुझे मैसेज आए, ओके, पूरा फ्लड आ गया मैसेज का, तो उसमें मैक्सिमम मैसेज यही थे कि जिन मतलब बच्चों का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, ओके, ये क्या होता है? तो जैसे कि आपको पता है 120 मार्क्स का आपका पेपर है जिसमें 78 आपका टेक्निकल रहने वाला है, नॉन टेक्निकल आपका 42 रहने वाला है, ठीक है? सेक्शनल कट ऑफ का मीनिंग क्या है, जैसे कि मैं अगर पकड़ूँ ओपन के लिए, तो आपका 50% क्राइटेरिया है ओपन के लिए, ओके, मतलब कंपलसरी इधर 39 चाहिए मुझे और कंपलसरी इधर मुझे 21 चाहिए, तभी आगे के मार्क्स पकड़ूंगा मैं, नहीं तो नहीं पकड़ूंगा, ओके? अभी क्या केसेस आए रिजल्ट के बाद वो देखो। तो कुछ कुछ बच्चों ने इधर टेक्निकल में, ओके, 70 अबव भी स्कोर किया है, ओके, 65 अबव 70 अबव भी स्कोर किया है, लेकिन नॉन टेक्निकल में उनके 15 16 18 किसी किसी 19 भी आए, ओके, तो इसकी वजह से वो किधर बाहर हो गए, ठीक है? अगर आप टोटल करोगे, सपोज 70 भी पकड़ रहा हो, इधर 15 पकड़ रहा हो, तो 85 मार्क्स हुए, जो कि 120 में से बहुत अच्छा है, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया तो ये था ना, तो ये तो हुआ नहीं, तो डायरेक्ट वो बाहर हो गए। तो इसलिए इसको लास्ट टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था इस पे, लेकिन स्टूडेंट ने मतलब सीरियसली नहीं लिया, तो जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया वो अभी सीरियसली लेंगे, ये तो गारंटी है, ओके? तो इस पे मतलब क्या है, इन शॉर्ट नाइलेट क्या चाहता है आपको, बैलेंस करना, ठीक है? मेरा टेक्निकल स्ट्रांग है, नॉन टेक्निकल छोड़ दूंगा, नॉन टेक्निकल स्ट्रांग है, टेक्निकल छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, ओके? तभी तो वैकेंसी ज़्यादा थी, अभी तो वैकेंसी बहुत ही कम है, ओके, ऑब्वियसली फैक्ट है, रियलिटी है, वैकेंसी कम है, टोटल 16 और क्या 20 वैकेंसी में कुछ नहीं होता, लेकिन इसलिए वही इंपॉर्टेंट है कि इधर भी आपको बेस्ट स्कोर करना है और इसको भी भूलना नहीं है, ओके? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का एटीट्यूड रहता है नॉन टेक्निकल इजी हो जाएगा आराम से, ओके, टेक्निकल पे फोकस करो, लेकिन ऐसा नहीं रहता, ठीक है? तो ये मिस्टेक लास्ट टाइम बहुत जन ने की, आपको नहीं करना है, ये आपका एडवांटेज रहेगा, ठीक है? ओके, बाकी के लोग भी जो ओबीसी वाले हैं तो उनके लिए भी क्राइटेरिया देख लो एक बार, मतलब ये लिख लो इधर, तो ठीक है, इतने का मिनिमम चाहिए, तो ओबीसी जो है उनको 31.2 चाहिए टेक्निकल में कंपलसरी, और इधर 21 इधर आपका 16 चाहिए, 16.8 जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उनको 23.4 चाहिए और इधर 12.6 चाहिए, ये कंपलसरी आपके मार्क्स रहेंगे, नहीं तो इसके अगर ये नहीं मिले तो इसके आगे कुछ नहीं होगा, ओके? तो ये तो आपका हो गया सेक्शनल कट ऑफ। नेक्स्ट है अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपका मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, ठीक है? अभी देखिए, ये फर्स्ट टाइम ऐसा रीओपन का केस है, ठीक है? रीओपन हो गया आपका फॉर्म, दिसंबर में आपका फॉर्म आया था ये, और दिसंबर में ही ख़त्म हुआ था, अभी फिर से जून में फॉर्म स्टार्ट हुआ है, ओके, और जुलाई में आपका ख़त्म होने वाला है। अभी क्या है इधर, अभी मुझे तो फिलहाल कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, ओके, ना कि मुझे मत मिला है, अप्रॉक्सीमेटली जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कुछ मिलेगा डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अपने पास टारगेट एग्जाम डेट होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर होगा तो आराम से हम करेंगे, अभी आराम से ऐसा नहीं, ओके? तो इसलिए एक टारगेट एग्जाम डेट के लिए अभी देखिए क्या मैं सोच रहा हूँ कि ऑलरेडी उनके जो है दिसंबर में जिन्होंने भी फॉर्म भरे थे उनके एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज हो चुके हैं, ओके? तो एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज होने के बाद डुप्लीकेट फॉर्म का लिस्ट आता है, ठीक है? तो ये स्टेप भी उनका कंप्लीट हो चुका है, राइट? अभी फॉर्म फिर से खुला है इधर, नए एप्लीकेशन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक ने अप्लाई किया ही है उधर, ओके? ज़्यादा नहीं आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, तो उनका भी एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज होगा इधर 9 जुलाई का आपका, जैसे फॉर्म खत्म होगा तो एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज होगा, राइट? बाद में अलॉटमेंट होगा सेंटर का, वो सब होगा, तो मैक्सिमम इसको अगर मैं एक महीना भी पकड़ूँ फिर से, एक महीना आराम से उनको लगेगा, ठीक है? ज़्यादा काम नहीं है, तो ऐसा भी हम पकड़ते हैं तो अगस्त थर्ड या फोर्थ वीक तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा लेकर, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली ये आपका फॉर्म दिसंबर का है, भले ही रीओपन हुआ है लेकिन फॉर्म तो दिसंबर का ही है, ठीक है? अभी ये भी उनके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, लेकिन अपना जो टारगेट है वो तो अगस्त थर्ड वीक ही रहेगा कि अगस्त थर्ड वीक को अपने को आराम से सिलेबस सब कवर करना है, ठीक है? तो मतलब 60 डेज से अपने करना है। अभी बाकी के जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं, ठीक है, जो मतलब अपना जॉब को फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग दिसंबर से ही प्रिपरेशन चालू कर दिए थे, तभी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था। आप प्रॉपरली आपका मुझे लग रहा है लगभग एंडिंग तक होगा आपका प्रिपरेशन, ठीक है? क्योंकि 6 महीना ऑलरेडी आपको हुआ है और 6 महीना इनफ टाइम है ऐसे एग्जाम के लिए पूरा अच्छे से सिलेबस करने के लिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो नए हैं उनके लिए 60 डेज है,
तो आपको टेंशन लेना नहीं है, ओके, क्योंकि सभी चीज़ें मैं आराम से बताने वाला हूँ आपको। जस्ट प्रॉपरली सुनो, नोट डाउन करो और उसको फॉलो करो, इतना ही आपको करना है, ओके। ये आपका, आपके साइड से इतना ही आपका काम रहेगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड पता चला अभी क्या है, अगस्त 3rd वीक, और इसके इन बिटवीन मतलब अभी अभी से अगस्त तक कोई भी न्यूज़ आता है डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइए, उधर मैं आपको अपडेट देते दूंगा ही, मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट अभी जो इम्पोर्टेंस है वैकेंसी का वो क्या है, जब तक किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस अपने को पता नहीं रहता, ठीक है, तो हम उसके लिए सीरियस नहीं होते, ये रियलिटी एक्चुअली। तो एक तो है कि आपको एक ही सिलेबस करना है, ठीक है, एक सिलेबस आपको करना है, और आपको 2 बार चांस मिलेगा फाइट करने के लिए, ओके, अपना जॉब सिक्योर करने के लिए, अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए, अपनी सीट सिक्योर करने के लिए। तो ये बहुत ही रेयर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती है। तो इस साल तो आप लकी हो एक्चुअली, 2021 में एक तो नाइलेट आ गया, मतलब ये आ गया STQC, और दूसरा DFCCL का भी आया है, ऑपरेशन है BD का, उसमें भी सेम है, सेम सिलेबस है, एक उसका पोस्ट है एग्जीक्यूटिव का और एक है आपका JE का, ठीक है, सेम है। इधर भी कैसे आपका साइंटिस्ट भी है, उधर ST है, साइंटिस्ट भी अपर पोस्ट है, ये लोअर है, इधर भी आपका एग्जीक्यूटिव अपर है, ये लोअर है, ओके। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है जिधर आपका सेम सिलेबस पे आपको चांस मिलता है, डबल चांस मिलता है, ओके, 2 बार चांस मिलता है, 1 buy 1 get 1। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, और या इस ईयर की तो लास्ट वैकेंसी होगी, ओके। तो इसलिए अगर आपको 2021 में ही चाहिए सिक्योर करना है जॉब, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंस दो, ओके, प्रिपरेशन को इंपॉर्टेंस दो। सबसे बड़ी अभी मिस्टेक जो है ये की है बच्चों ने जो लास्ट ईयर थे, ठीक है। तो साइंटिस्ट भी में आपको पता है कि 120 में से आपका 85% जो है वो आपका एग्जाम से आता है, और 15% आपका इंटरव्यू में आता है, ठीक है। इधर आपको क्या समझना है, ये जो रेशो है 85 और 15 का, तो ये 15 जो है ये आपके हाथ में नहीं है, राइट। ये जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसके ऊपर डिपेंड है, उसके मूड पे ऊपर डिपेंड है, अब उसको आपका आंसर पसंद आ रहा है कि नहीं उस पर डिपेंड है, बहुत सारे फैक्टर्स है, राइट। तो अभी क्या हुआ है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिर से मतलब वो वीडियो देख ही रहे होंगे कि उनके इधर तो है 85 में से बहुत कम मार्क्स आए हैं, ओके। अभी हालत ऐसा है कि इधर इंटरव्यू में आउट ऑफ 15 12 के अबव चाहिए, 10 के अबव चाहिए, जो मतलब मुश्किल है, ओके, और जो उनके हाथ में नहीं है, डेफिनेटली वो प्रिपेयर करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हाथ में तो नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है टेंशन वाला कि अभी इंटरव्यू पे डिपेंड है, अच्छा होना चाहिए, ओके, ये मैं चाहता हूँ आप इसमें ना पढ़ो, तो इसलिए इसको भूल जाओ, ओके। पूरा फोकस इस पे ही करो, 85 में से जितना मैक्सिमम हो सके, जो कि 120 मार्क्स में से अगर आपके 100 अबव आते हैं तो बहुत बड़े अच्छे चांस होंगे आपके, तो यही आपका टारगेट रहेगा, ओके। ऐसा मत समझो, क्योंकि एग्जाम के बाद अपने को रिलैक्स रहना है, फिर आप रिलैक्स होके अगर इंटरव्यू दोगे तो डेफिनेटली आपको इधर आराम से 10 अबव मिलेंगे, लेकिन टेंशन में प्रेशर में लोगे तो वो दिखता है उधर, ठीक है, वो दिखता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट एक सीख है आपके लिए कि पूरा फोकस एग्जाम पे लगा दो, ऐसा ही समझो कि ST का भी डायरेक्ट है, साइंटिस्ट भी का भी डायरेक्ट है, मुझे दोनों में 100 अबव लाना है तब मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस माइंडसेट से आप जब प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट आपके लिए थे, आई होप आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिली होगी, ओके। अभी आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो है आपका सिलेबस, ओके। तो सिलेबस तो कवर कैसे करना है मैं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन कौन से सब्जेक्ट जो आपके हैं जो STQC के लिए स्पेसिफिकली हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा मार्क्स को पूछ सकते हैं, ओके, उससे हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम जाएंगे लो वेटेज सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो हाई वेटेज टू लो वेटेज ऐसे हम ऐसे जाएंगे, और इधर आपको ये जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बोलूँगा, ओके, ये जो कैटेगरी के होंगे, तो इनमें ज़्यादा फोकस करना है, एक भी चीज़ इसमें से आपको भूलना नहीं है, प्रॉपरली बेसिक्स से सब याद रखना है, जितना थ्योरी पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है, ओके। बाद में फिर इनको ज़्यादा अच्छे से नहीं किया चलेगा, क्योंकि लो वेटेज रहेंगे, लेकिन इधर तो ये जो सर्कल में सब्जेक्ट रहेंगे उनके प्रॉपर फोकस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है दोनों के लिए, CSE IT के लिए, साइंटिस्ट भी ST के लिए, CN कंप्यूटर नेटवर्क आपका आता है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इधर से बनेंगे। तो क्या क्या है आपका, एक तो OSI लेयर है आपका, OSI स्टैक है, ठीक है, LAN टेक्नोलॉजी है, फ्लो एरर कंट्रोल टेक्निक्स है, राउटिंग एल्गोरिथम है, कंजेशन कंट्रोल है, कंजेशन क्यों आता है वो सब आपको करना है, TCP/UDP इसका आपको करना है, IPv6 का ये डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, ओके। हर एक प्रोटोकॉल, अभी इधर तो लिए एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल, लेकिन हर एक लेयर के प्रोटोकॉल मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली करो, तो प्रोटोकॉल में एक तो फुल फॉर्म है, और दूसरा उसका यूज़ का है, एप्लीकेशन क्या है, ओके, मीनिंग क्या है, क्यों प्रोटोकॉल क्यों यूज़ करते हैं हम, ICMP क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी पोर्ट नंबर है आपके, HTTP के पोर्ट नंबर है, FTP के पोर्ट नंबर है, वो याद करो।
जो आपके हब स्विच गेटवे राउटर है इसके बारे में तो पूरा डिटेल्स है, क्योंकि ये देखो कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें से थ्योरी क्वेश्चन बहुत सारे वो फ्रेम कर सकते हैं। ओके, इधर मतलब मेरे पास लिमिट नहीं है, कुछ आराम से मैं कुछ भी फ्रेम कर सकता हूँ, कंसेप्चुअल नॉर्मल कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली इसके साथ न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों जो आपके पोस्ट है साइंटिस्ट भी और एसटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ओके, बाद में फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, बेसिक कंसेप्ट पब्लिक की प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी ये आपको पढ़ना है, डिजिटल सिग्नेचर क्यों यूज़ होता है क्या है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, और फायरवॉल क्या मतलब क्यों करते हैं, यूज़ क्यों करना है। ओके, तो प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचो क्यों यूज़ करना है, ये क्या है, एक तो क्या है और क्यों करना है यूज़। ओके, डिजिटल सिग्नेचर क्या जरूरत है, मैं क्या नॉर्मली सिग्नेचर नहीं कर सकता, तो ऐसा सोच के पढ़ाई करो अच्छे से, प्रैक्टिकल वे में थोड़ा जाओ। ओके, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो पढ़ाई का तरीका है ये बेस्ट है। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क सेकेंड सब्जेक्ट जो आता है सीएसई के लिए, ओके, जो आईटी वाले वो आगे जा सकते हैं, तो सीएसई के लिए सेकेंड आता है प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तीनों को कंबाइन कर दिया है मैंने क्योंकि तीनों में से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके फ्रेम होने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग सी, बेसिक प्रोग्रामिंग सी का, ओके, फंक्शन रिकर्शन पैरामीटर पासिंग ट्रीज बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी हीप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस पे ही पूछेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो आपके है इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म अब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन, तो इसको अच्छे से करना है, इसका भी थ्योरी और प्रोग्रामिंग खासकर प्रोग्रामिंग, ओके, वो आपको अच्छे से करना है। डेफिनेटली बाद में बताऊंगा कौन सा बुक यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी जस्ट समझो सिलेबस आपका क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बाद में आपका आता है एल्गोरिथम, तो ज़बरदस्त आपका सब्जेक्ट है ये और इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो असिम्प्टोटिक नोटेशन, नोटेशन ऑफ स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इस पे तो एक क्वेश्चन रहता ही है हमेशा। ओके, वर्स्ट एंड एवरेज केस एनालिसिस ये भी इस पे भी रहेगा, ग्रीडी अप्रोच डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बाद में शॉर्टेस्ट पाथ हैशिंग सॉर्टिंग सर्चिंग असिम्प्टोटिक एनालिसिस। ओके, तो इस पे भी एल्गोरिथम भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फ्रेम कर सकता हूँ आराम से, ठीक है, आराम से कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें प्रोग्रामिंग भी डाल सकता हूँ मैं, तो इसलिए इसका अच्छे से प्रिपरेशन आपको करना है, इसलिए ये मैंने रखा है आपका सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का सीएसई के लिए। तो अभी सीएसई हो गया, तो अभी आएगा आईटी, तो आईटी के लिए भी सेकंड सब्जेक्ट जो आपका है वो यही होने वाला है। ओके, तो आपके भी यही सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ओके, तो थोड़ा बहुत आपके टॉपिक्स इसमें एक्स्ट्रा है इसलिए मैंने सेपरेट आपको मेंशन किया है आईटी वालों को। ओके, सीएसई वाले आगे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है आपका, बेसिक एनालिसिस सर्चिंग सॉर्टिंग फिर से वही है, एल्गोरिथम स्ट्रेटजीज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, ये तो आपको करना ही कंपलसरी, लिंक लिस्ट आपको ट्रीज बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी हीप्स ग्रीडी अप्रोच करना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है डिवाइड कॉन्कर एल्गोरिथम्स ट्री एंड ग्राफ ट्रांसवर्सल। ओके, ये आपको करना है, स्पैनिंग ट्री आपको करना है, शॉर्टेस्ट पाथ इसमें भी हैशिंग सॉर्टिंग सर्चिंग आएगा, तो ये हो गया। बाद में इधर से एल्गोरिथम चालू होगा, बेसिक एल्गोरिथम फंडामेंटल एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजीज ब्रूट फोर्स ग्रीडी मेथड ब्रांच बाउंड, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से करने हैं जो भी इधर दिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पे भी आपका फिक्स क्वेश्चन रहेगा, बेस्ट बस एवरेज केसेस फिक्स क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली करना है थेरोटिकल और दूसरा प्रोग्रामेटिकल प्रोग्रामेटिकल अप्रोच, ये आपके दो अप्रोच मुझे चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये सेकेंड आपका सब्जेक्ट रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट जाते हैं थर्ड सब्जेक्ट पे जो रहता है दोनों के लिए कॉमन सीएसई आईटी वालों के लिए, और वो है आपका ओएस और सीओए, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिया है मैंने फिर से इधर। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल कॉन्करेंसी शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच मेमोरी मैनेजमेंट फाइल सिस्टम डेडलॉक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन वायरल मशीन वर्चुअल मशीन और डिवाइस मैनेजमेंट लिनक्स यूनिक्स। ओके, बेसिक नॉलेज इसका चाहिए। अभी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, लेकिन उतना आपको नीड नहीं है, ठीक है, ये आपका गेट एग्जाम नहीं है, फर्स्ट थिंग ये आपका गेट एग्जाम नहीं है। तो जितना भी थ्योरेटिकल और आप न्यूमेरिकल अप्रोच करोगे तो ऐसा करो कि ये जो 120 आपके 180 मिनट्स है आपके, इसमें आप सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन को। ओके, अगर वो क्वेश्चन जो है जो आप कर रहे हो प्रैक्टिस वो 180 मिनट्स में सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो आईलेट के लिए नहीं है, वो गेट के लिए है। ओके, बाद में सीओए भी बहुत ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन इसमें से आपके लिए आ सकते हैं। तो बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है तो इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने इंक्लूड किया है, लेकिन वो अलग से हम करेंगे, ठीक है, तो ये रिडंडेंट है, इसका ज़रूरत नहीं था। रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसर। ओके, ये सब आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है उससे ही आपको आएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका थर्ड सब्जेक्ट रहेगा सीएसई और आईटी दोनों के लिए। तो जाते हैं अभी हम फोर्थ सब्जेक्ट पे, तो फोर्थ सब्जेक्ट है ओके, ये एक्चुअली ग्रुपिंग किया है, आप समझ रहे होंगे मैं फोर्थ सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी आपके 6-7 हो गए। ओके, तो ग्रुप किया है तो ग्रुप में अच्छा है करना। बाद में डिजिटल सर्किट्स, तो इसमें आपके बेसिक है आपको, ठीक है, आपको टेंशन नहीं, इसी जैसा आपको मतलब डीप में नहीं करना है ज़्यादा, तो जस्ट कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या क्या है काउंटर वो सब अपना करना है, फ्लिप फ्लॉप लैचेस। ओके, बेसिक नंबर रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा, बाइनरी हेक्स वो करना है, कन्वर्जन करना है उनका। ओके, फिक्स फ्लोटिंग पॉइंट आपको पता है ये करना है, मिनिमाइजेशन तो रहेगा आपका बेसिक, और लॉजिक फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये आपके
खासकर CSE IIT वालों के लिए ये सिलेबस एक्चुअली कम है डेटा सर्किस का, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और ये आपका फोर्थ नंबर पे आएगा। देन आपका जो फिफ्थ नंबर पे है वो है DBMS, ठीक है, दोनों के लिए, CSE IIT के लिए। तो DBMS में से भी आपको एक तो इधर प्रोग्राम पूछते हैं आपको, ठीक है, क्वेरी पूछते हैं, बाद में फिर इधर आपको थेरेटिकल तो आएगा ही, थेरेटिकल आती है, ओके, ईयर मॉडल है, रिलेशन मॉडल है, डेटाबेस डिज़ाइन है, क्वेरी SQL आपका है, इधर फाइल स्ट्रक्चर्स है, ओके, इसमें सभी है। तो अच्छे से आपको एक एक चीज़ करनी है, ओके। सिक्स देखिए क्या है अभी, तो सिक्स में मैं रख रहा हूँ IT के लिए प्रोग्रामिंग, ओके। तो प्रोग्रामिंग में आपके लिए पास दो प्रोग्रामिंग अभी है आपके पास, एक तो सी प्रोग्रामिंग आपका रहेगा जिसमें ये सारी चीज़ें आएंगी सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा रहेगा एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, बेसिक स्ट्रक्चर मॉडलिंग, क्लासेस, रिलेशनशिप, कॉमन मैकेनिज्म डायग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ठीक है, ये आपका सब रहेगा जावा के रिलेटेड, बेसिकली जावा तो आपको है, जावा करना है अच्छे से। तो ये दो आपके पार्ट है IT वालों के लिए, ये उन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है, तो ये आपका सिक्स सब्जेक्ट रहेगा, ओके। सेवेंथ आपका रहेगा जो IT वालों के लिए ही रहेगा, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी इसमें से भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ST क्वेश्चन का मैं फोकस करूँ तो इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन आपको दो तीन क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, ओके, खासकर टेस्टिंग के ऊपर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स क्या है, अजाइल क्या होता है, ओके, ये आपको पता चाहिए, वाटरफॉल मॉडल क्या है, इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक टेस्टिंग, जो टेस्टिंग फील है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, उसका बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, थ्योरी अच्छे से करो, ठीक है। और वो ऑलरेडी सब क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ उसमें, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये तो हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो भी इसमें लिया है वो आप पढ़ सकते हो। इंटरनेट प्रोग्रामिंग में आपका क्या है, वर्किंग यूज़र इंटरफेस है, जावा डेटाबेस है, JDBC है, HTML सर्वर आपका रहेगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन थ्रेड्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग तो आप इधर ही कर दोगे कंप्यूटर नेटवर्किंग में, तो उसका भी टेंशन नहीं है। TCP/UDP सॉकेट्स, ओके, ये सॉकेट का भी थोड़ा बहुत नंबर वो देख लो, कनेक्टिंग टू द वेब, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, ठीक है, ये छोड़ दो, ये ज़्यादा नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से करना है, ये आपका सेवन सब्जेक्ट रहेगा IT वालों के लिए। अभी आएगा CAC, आपके लिए जो है सिक्स सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में आपको दिया है एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन, दो से तीन क्वेश्चन आपको इधर से मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन बेसिक लेवल पे आपको पढ़ाई करना है इसका। तो इसमें सबसे पहले ऑटो कोरिलेशन, पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी, ओके, रैंडम वेरिएबल आएगा इसमें, रैंडम प्रोसेस आएगा, प्रोबेबिलिटी भी आएगा इसमें। बाद में फिर आप स्टार्ट करोगे एनालॉग कम्युनिकेशन से, तो एनालॉग कम्युनिकेशन इधर कुछ किधर जो दिया होगा देखो, ये एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है, एनालॉग में आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन है, एंगल मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन है, स्पेक्ट्रम है, AM/FM का, PM का भी कर लो। बाद में रिसीवर आपका आएगा, सुपर नेटवर्क रिसीवर, सर्किट्स और एनालॉग कम्युनिकेशन, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट आप कर लो, जो भी सर्किट से आपके एनालॉग कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हो वो आपको करना है, ठीक है। बाद में इंफॉर्मेशन थ्योरी, एंट्रोपी, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, चैनल कपैसिटी थ्योरम, ये तो कंपलसरी करना है, बेसिक डेफिनेशन आपको आएगा इसमें। डिजिटल कम्युनिकेशन में PCM, DPCM, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है, ओके, इसमें ASK, FSK, PSK है, ये भी कर लो, QAM, मैप, ML डिकोडिंग, अभी ये जो है ML, मैप डिकोडिंग ये छोड़ दो, ओके, मैच फिल्टर रिसीवर भी छोड़ दो, इसका थ्योरी पॉइंट कर दो, लेकिन न्यूमेरिकल तो ऑब्वियसली छोड़ना है आपको, ओके। बैंडविड्थ हर एक का कैसे कैलकुलेट करना है, SNR कैसे कैलकुलेट करना है, BER कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको याद रखना है, मतलब PCM का बैंडविड्थ कितना है, SNR कितना है, DPCM का भी सेम कितना है, ओके, एटलीस्ट याद रखो फॉर्मूले के फॉर्म में। बाद में फंडामेंटल एरर करेक्शन क्या है, हैमिंग कोड्स, टाइमिंग फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन, ओके, TDMA, FDMA, CDMA ये आएगा, और ISI आपका आएगा, तो ये भी ISI का भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो ये भी आपने नहीं किया तो भी चलेगा, जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, ISI क्यों आता है, कब आता है, इतना आपको पता है तो इनफ है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन आपको होगा सिक्स नंबर पे, साइंटिस्ट भी और STA के लिए दोनों के लिए। ओके, अभी ये तो हुआ अपना टेक्निकल, राइट, ये तो हमने डिस्कस कर लिया टेक्निकल, जो कि आपका लगभग 66 to 68 मार्क रहेगा, ओके, 66 to 68 मार्क, और ज़्यादा से ज़्यादा 68 to 70 मार्क आपका रहेगा, क्योंकि बाकी के जो मार्क्स हैं आपके 8 to 10 मार्क्स, ओके, 8 to 10 मार्क्स आपके रहने वाले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में से, तो यस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज बहुत ज़बरदस्त है इधर, तो टोटल 78 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको अभी समझा होगा कैसे है, राइट, तो इसलिए 8 टू 10 मार्क्स आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं। अभी इसमें भी क्या है आपके बेसिक क्वेश्चंस टॉपिक्स क्या क्या है, एक तो लीनियर अलजेब्रा आपका होगा, ओके, इससे स्टार्ट करो, बहुत ही हल्का टॉपिक है, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इतना ही आपको करना है, ज़्यादा इसमें जाओ मत डिटेल में, ठीक है, जो भी दिया है टॉपिक उतना ही करो।
कैलकुलस में है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मीन वैल्यू थ्योरम, बाद में मिनिमम मैक्सिमम आएगा आपका, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी है इसमें, डेफिनेट इंप्रॉपर इंटीग्रल्स है, ठीक है ये कर दो। तो थ्योरम है आपके इंटीग्रल कैलकुलस के सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर ज़्यादा फोकस करो, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ओके मैक्सिमम मिनिमा मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये आपका कैलकुलस पे आएगा, लिमिट्स को भूलो मत, बेसिक लिमिट का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है, ये तो दो सब्जेक्ट आपके दो हो गए, ओके चैप्टर हो गए दो, बाद में फिर और आएंगे चैप्टर्स। तो एक तो है सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो प्रोबेबिलिटी आपका है, ओके तो ये सिलेबस एक्चुअली कॉमन है सी एस आई टी वालों के लिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए सी एस सी वालों को रिकमेंड करूँगा बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका है इससे कम्युनिकेशन में भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है प्रोबेबिलिटी के बेस पर, ओके जो कि आपका होता है ना अपना ये एंट्रोपी वो सब, तो उस पर भी फ्रेम हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का नॉलेज आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि रैंडम वेरिएबल उस पर डिपेंड है, ओके बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, यूनिफॉर्म नॉर्मल एक्सपोनेंशियल पॉइजन बाइनोमियल, इनके सबके फॉर्मूले, इनके सबके एप्लीकेशंस कब होता है, यूज़ क्या होता है, ओके ये बताना चाहिए, मीन मीडियम मोड स्टैंडर्ड डेविएशन ये इजी आपको करना है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये तो बहुत ज़्यादा इजी इंपॉर्टेंट है, ओके इतना आपको करना है। बाद में सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा है, तो अगर प्रोबेबिलिटी से पहले आपने सेट कर दिया सेट थ्योरी तो अच्छा है, आपके प्रोबेबिलिटी का मतलब अच्छा नॉलेज हो गया। तो सेट रिलेशन फंक्शन ग्रुप्स पार्शियल ऑर्डर रिलेटिव्स बूलियन अलजेब्रा, तो ये तो हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। बाद में कॉम्बिनेट्रिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो ये भी आप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी के पहले, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस ये तो ये फर्स्ट करो, बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फिर प्रोबेबिलिटी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बाद में काउंटिंग समेशन जनरेटिंग फंक्शन रिकंसिलिएशन एंड असिम्प्टोट, तो ये आपके रहेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इधर, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ओके तो आई गेस मैथमेटिक्स के इतने ही आपके टॉपिक्स थे, न्यूमेरिकल मेथड रह गया लगता है, तो वो एक आपका आएगा भी न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेथड रहेगा, ओके तीन चार मेथड जो है इनके फॉर्मूले याद रखो, स्टेप्स याद रखो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ओके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन, तो ये आपको सब करने हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल लॉजिक ये प्रीपोजिशन लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, तो ये भी थोड़ा देख लो क्या है, तो ये इतना भी आपको करना है, ये लास्ट में रखा है क्योंकि इसका ज़्यादा वेटेज नहीं होगा ऑब्वियसली, फिर भी कर लो, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका पूरा टेक्निकल का सिलेबस जो कि आपका 78 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 78 मार्क्स है, लेकिन उससे भी इंपॉर्ट आपके अभी 42 मार्क्स जो है रिमेनिंग, ओके वो अभी स्टार्ट करते हैं हम 42 मार्क्स। देखिए अभी जो एसटीक्यूसी की खासियत क्या है कि एसटीक्यूसी में आपके 42 मार्क्स में से एक तो आपका क्वांट रहेगा, रीजनिंग रहेगा और आपका जीके रहेगा, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, अभी इधर अपने को पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब इधर से कितना इधर से कितना इधर से कितना, मतलब इन शॉर्ट 42 क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने को पता नहीं है, ओके तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए अजम्पशन लेके चलेंगे, क्वांट के सपोज 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 और जीके के 12, ओके इधर 20 भी हो सकता है, लेकिन जस्ट अपने रेफरेंस के लिए। तो इन शॉर्ट क्या है, तीनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, तीनों ही आपके जो है चैप्टर और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ओके और उसमें से भी अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो है ये जीके है, सबके लिए चैलेंजिंग होने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए, ओके और यही आपका लगभग डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा एसटीक्यूसी का, अगर पेपर इजी आता है तो जीके पे ही पूरा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, ठीक है। तो जीके का अभी पोर्शन क्या है और कैसे आपको करना है, देखिए हिस्ट्री है आपके पास, ओके इसमें से आपको तीनों हिस्ट्री के पार्ट करने हैं जो कि आपका एशियंट है, मिडाइवर है और मॉडर्न है, ठीक है। बाद में जियोग्राफी, सिर्फ इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड पे नहीं जाना है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे नहीं खेलना है, इंडिया पे ही सब देखना है। पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस में भी आपको तीनों चीज़ें करनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ओके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, सपोज मैंने अगर 12 मार्क पकड़ा है जीके का तो उसमें से तो 6 तो करंट अफेयर आपके आएंगे और ये बाकी का सब मिला के 6 आपका क्वेश्चन आएंगे, ओके लेकिन ये जो 6 क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से ही आएंगे और करंट अफेयर भी आपको कम से कम लास्ट 12 मंथ के अच्छे से करके जाना है, इतने आपके लिए इनफ है, ओके इसके साथ साथ जीके कॉम्बिनेशन मतलब स्टैटिक मतलब जो जीके अपना कॉमन सेंस रहता है जनरल नॉलेज वो उसके साथ अटैच होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा लास्ट 12 मंथ में, सपोज अभी अपना जो अजम्पशन है एग्जाम आपका अगस्त में होगा तो अगस्त 20 से स्टार्ट कर सकते हो आप, अगस्त 21 तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा आपका जीके का पोर्शन, बाद में फिर आपका है क्वांट, तो क्वांट में देखते हैं क्या क्या आपके टॉपिक्स है। तो ये जो है आपके क्वांट के टॉपिक्स है, परसेंटेज रेशियो, एचसीएफ एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, ओके नंबर सिस्टम, एसआईसीआई, टाइम वर्क, बोर्ड स्ट्रीम, पाइप सिस्टम, एवरेज मेंस्ट्रुएशन, 2D 3D, टाइम डिस्टेंस, एजेस, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपके टॉपिक से क्वांट के सभी चीज़ें, तो ये आपको अच्छे से करनी है। और बाद में फिर आएगा आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी क्या क्या है देख लो एक बार, तो रीजनिंग में है कोडिंग डिकोडिंग, ओके क्लासिफिकेशन, बाद में फिर आपका ब्लड रिलेशन, फिर डिरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में भी दो सीरीज आपको करनी है, एक तो मिसिंग और रॉन्ग,
काउंटिंग फिगर आपको करना है, मिसिंग फिगर है, पेपर कटिंग फोल्डिंग है, ओके, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन, एक फिक्स आपका क्वेश्चन इसमें हो सकता है या दो, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में। सिटिंग अरेंजमेंट आपका होने वाला है, एनालॉजी एंड पजल भी आपका रहता है, तो पजल का भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका पूरा हो गया रीजनिंग का सिलेबस, इसमें सिलॉग्स भी इसमें ऐड कर दिए मैंने, स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी सिलॉग्स भी आ सकता है, ठीक है, सिलोजिज्म्स, तो ये भी आपके हो गए, इतना आपको अच्छे से टॉपिक करने हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया अपना सिलेबस, अभी किससे करना है, कैसे करना है, ये हम देखते हैं, ओके। तो अभी देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं पढ़ाई। तो सबसे पहले जो अपना मैथमेटिक्स और टेक्निकल है, ठीक है, तो इसके लिए जस्ट एक हैंडेड नोट्स आप पकड़ो किधर से भी, ओके, आपको मिल जाएगा नेट पे, तो अच्छे से उस पे पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपके पास गेट के नोट्स है, ठीक, सी ये एग्ज़ाम गेट का नहीं है, लेकिन अपने को गेट के नोट्स रेफ़र करने हैं, ये रियलिटी है, ओके, गेट के नोट्स अपने को रेफ़र करने हैं, ये रियलिटी है। तो किधर से आपको ये अरेंज करना है कंपलसरी, ओके, फिर एक बार ये नोट्स आपको मिल गए तो उसके बाद आपके पास एक प्रीवियस ईयर बुक पेपर होना चाहिए आपके पास, प्रीवियस ईयर, ओके, दोनों के लिए बता रहा हूँ, सी एस सी आई टी दोनों के लिए। तो गेट प्रीवियस ईयर आपको ले लो, कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी चीज़ इंस्टीट्यूशन का ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। तो उसमें आपका मैथमेटिक्स और टेक्निकल दोनों इंक्लूड हो जाएगा। जीके के लिए लूसेंट का बुक रखना है आपके पास, ओके, कौन के लिए आर एस अग्रवाल रखना है, और रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना गवर्नमेंट जॉब, इस पर रोज़ आपके एम सी के पी डी एफ आ रहे हैं, कौन के लिए, रीजनिंग के लिए, करंट अफेयर्स के लिए एंड जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसमें आपका हिस्ट्री, जोग्राफी वगैरह वगैरह वो रहेगा, ठीक है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स, तो इसके लिए आपका आ रहा है, ये आपको कंपलसरी रोज रेफर करना है, ठीक है। अभी टाइम टेबल में डिस्कस करूँगा मैं कैसे आप कर सकते हो पूरा रूटीन डेली का और क्या एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए, ये आपको अरेंज करना है, ओके। अभी इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अपना जो नाइलेट एस सी क्यू सी का जो टेस्ट पैकेज है, ओके, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको क्यू बॉक्स दिया था, तो आई होप जो ऑलरेडी एक्टिव है वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे, ठीक है। जो क्यू बॉक्स में आपके करंट अफेयर, जनरल स्टडी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको नहीं है, इंग्लिश वोकैब भी नहीं है, और काउंटर रीजनिंग, ठीक है। तो डेली आपके जो टेस्ट है वो अपडेट होते हैं, टोटल आप देख सकते हो कितने टेस्ट है, और ये आपका रहता है, ओके। तो सिक्स मंथ के लिए आपको ये मिलेगा इधर, इसलिए मैं दे दिया था, क्योंकि आपका जो नॉन टेक पोर्शन है वो मुझे पूरा स्ट्रॉन्ग करना है इधर, ठीक है। तो इसके लिए क्यू बॉक्स मैंने आपको अटैच करके दिया था। सेकेंड जो है आपके लिए करंट अफेयर्स का और जी एस का जो ये है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने मैगजीन बॉक्स जो है वो भी अटैच किया था। अभी ऑलरेडी जो सब्सक्राइब है तो आपको ये नहीं मिला है, ओके, ये हमारा अभी मतलब ये अभी पूरा अपडेट हुआ है, तो पहले मैं आपको इंडिविजुअल देता था ना, तो अभी एक ही बॉक्स में आपके सभी करंट अफेयर्स आएंगे, जैसे आपको इधर दिख रहा है, ओके, पूरे मैगजीन्स जो है आपके 2020 से 2021 तक सभी मैगजीन आपको इसमें अभी दिखेंगे। तो वो टेंशन गया है, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक था, मुझे भी थोड़ा इरिटेट होता था उससे, ओके, कि एक एक ओके करो, ओपन करो, अभी कैसे ये खोला, इस पर क्लिक किया, डायरेक्टली मुझे जो पढ़ना है वो करूँगा, और इस पर भी क्लिक करके बाद आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज इसमें रखा है, ओके। ये क्यों रखा है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि एसटी क्यूसी में सपोज एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स आएगा, ओके, कि डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो होते हैं अपने, राइट, तो एक जो पूरा 12 महीना है उसमें से एक तो आपको फिक्स क्वेश्चन फिक्स आएगा, कोई भी आपको डेट पूछ सकता है। तो अगर आपके पास ऐसे कैटेगरी वाइज है कि इधर आपका है इंपॉर्टेंट डेट, ओके, और इसमें जो भी सपोज जून मंथ है, जून मंथ के कौन से इंपॉर्टेंट डेज है आपके, तो एक ही बार में आप पूरा कर सकते हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो। तो हर एक जो मंथ है आपका उसके लिए मैंने ऐसा रखा है, कैटेगरी वाइज प्रॉपरली सब स्ट्रक्चर है, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में भी, ठीक है, क्योंकि उसमें इमेजेस है और पूरा मतलब ऐसा बोर नहीं होगा, ठीक है, पूरा फील लेके आप पढ़ सकते हो। तो ये इसलिए मैगजीन बॉक्स मैंने आपको दे दिया था, ताकि करंट अफेयर और जीएस, और इसमें आपका क्या है जनरल स्टडीज़ के भी क्वेश्चन ऐड भी है, कॉन्ट रीजनिंग के भी है, लेकिन ये आपके ऑप्शन है, इधर इतना मत करो, ठीक है, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाद में आपका जो नॉन टेक टेस्ट है, आपको 10 टेस्ट दिए थे और आपके फुल लेंथ मॉक जो है 3 वो आपके पास है, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थी तभी फरवरी मंथ में, और मैं बोला भी था कि अगर टाइम एक्स्ट्रा मिला तो डेफिनेटली टेक्निकल में भी जबरदस्त करेंगे, तो वो आपके लिए अभी इसमें ऐड कर दिया हूँ, सब्जेक्ट वाइज टेक्निकल क्वेश्चन, वो भी 300 प्लस क्वेश्चन, ओके, 300 प्लस क्वेश्चन आपके लिए ऐड हो गए, फ्रीक्वेंटली ऐड होंगे, जैसे ऐड होंगे आपको जो आपका बैच है नाइलेट एस सी क्यू सी का उसमें अपडेट में कर दूंगा, ठीक है। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टेक्निकल का भी आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया, नॉन टेक्निकल खत्म हो गया, ओके, जस्ट अभी चाहिए मेहनत, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर मतलब ही नहीं फॉर्म भरने का, ठीक है। तो पूरे चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी आपको प्रॉपरली मॉडिफाई पैकेज दिया है मैंने, जितना भी ज़रूरत है बेस्ट रैंक निकालने के लिए उतना सभी है, ओके। इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, वो भी आगे बताऊँगा, ओके, यो भी मैं आगे बताऊँगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो समझना आपको इधर, क्योंकि आपको देखिए अभी गेट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे करने हैं वो सब, लेकिन
जो थेरोटिकल अप्रोच है वो आपका मिस होता है, ओके, क्योंकि गेट के मैक्सिमम क्वेश्चन थेरोटिकल नहीं रहते. तो ये जो प्रॉब्लम है आपका ये इधर सॉल्व होने वाला है, क्योंकि 300 में मैक्सिमम क्वेश्चन थेरोटिकली डाले हैं मैंने, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आपके ऑब्वियसली न्यूमेरिकल है, लेकिन ज़्यादा फोकस मैंने इस पर किया है. क्यों किया है? क्योंकि लास्ट ईयर जो पैटर्न बदला है नाइलेट का, जो शॉकिंग था, तो उसके वजह से अभी रिसने लेना चाहता मैं, इसलिए क्वेश्चन जितने भी थेरोटिकल चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज, ओके, जैसे आपका नेटवर्क, सी प्रोग्रामिंग, जावा, सभी, तो वैसे आपका इसमें रहने वाला है. 300 प्लस क्वेश्चन आपके लिए है, सीएससी आईटी दोनों के लिए. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी डेटा है, ओके, तो प्रॉपरली आप करने वाले हो. अभी एक बार समरी के रूप में देख सकते हैं आप क्या क्या है आपके पास. ओके, तो आपके पास है अभी नोट्स आ गए, ओके, गेट की प्रीवियस ईयर बुक आ गया, लूसेंट आ गया, आपका आर एस अग्रवाल आ गया दोनों के लिए, क्यू बॉक्स आपके पास है, मैगजीन बॉक्स आपके पास है, मॉक टेस्ट है आपके पास, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज टेक्निकल क्वेश्चन भी आपके पास आ गया अभी, ओके, और टेलीग्राम के जो अपने पीडीएफ है वो भी है. अभी इतने सारी चीज़ें हैं तो ज़रूर आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, जो मतलब नए हैं, कि कैसे करेंगे, राइट? तो टेंशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए ये आपका सेशन है, ये मतलब जो पार्ट है अपना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ये वीडियो का, ठीक है, कि कैसे आपका रूटीन रहेगा, कैसे सब्जेक्ट का डिवीजन रहेगा, कैसे पढ़ाई करोगे ताकि बेस्ट रैंक आ सके, जो कि अल्टीमेट टारगेट होगा रैंक, ठीक है. मैं इधर रैंक बोल रहा हूँ, मैं इधर मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, 70-80 मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, रैंक की बात कर रहा हूँ. तो वैसा ही एटीट्यूड आपको होना चाहिए, ठीक है. तो लास्ट 60 डेज़ का आपका टारगेट है, डेफिनेटली अगर ज़्यादा मिले तो मतलब अपना बोनस ही रहेगा, लेकिन 60 डेज में अपने को ख़त्म करना है, ठीक है, ओके. तो अभी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका डिवाइड, ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसलिए एक एक चीज़ अभी अच्छे से सुनिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका इंप्लीमेंटेशन पार्ट है, ओके. प्लानिंग हो गया लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो प्लानिंग का फायदा क्या है, वेस्ट है टाइम, राइट? तो इसलिए फर्स्ट आपको डिवाइड करना है. तो डिवाइड हम कैसे करेंगे और क्यों मैंने ऐसा किया है ये आपको बताऊंगा. तो फर्स्ट आपका होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेकंड आपका होगा टेक्निकल. डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कैसे रहना चाहिए जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ. फिर आपका जो रूटीन है, आपका कैसा प्रिपरेशन है, ओके, कैसा कितना टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. बाद में फिर आपका है इधर क्वांट, ओके, और क्वांट कंप्लीट होने के बाद आपका आप करेंगे रीजनिंग, और इधर आपका जीके है, ठीक है. तो हमने क्या किया है, आपके सभी जो सेक्शन है उसको डिवाइड कर दिया है, ओके. अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने क्यों सेपरेट किया है, मतलब ऐसा क्यों नहीं टेक्निकल के बाद में मैच करूंगा, क्योंकि इधर आपके 8-10 मार्क्स है, ओके, एक ही सब्जेक्ट आपका 8-10 मार्क्स आपको दे रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस पे ज़्यादा कम फोकस करो, क्योंकि मैक्सिमम जो है बंदे, ओके, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ज़्यादा फोकस ही नहीं करते, चाहे वो गेट का प्रिपरेशन हो या कुछ भी हो, ओके, नहीं करते, ये रियलिटी है. इसलिए इसको हम सेपरेट मानेंगे, इसको एक अलग सब्जेक्ट पकड़ लो 10 मार्क का, ओके. टेक्निकल आपके है 68 मार्क्स सपोज, बाद में क्वांट और क्वांट कंप्लीट जैसे करोगे आप सिलेबस, रीजनिंग पे जाओगे, इस तरह के ये दो हो गया. और जीके को सेपरेट दिया है, तो जीके को सेपरेट चाहिए. जीके ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी मैगजीन आ गए तो 10-15 दिन में पूरे मैगजीन पढ़ लिए और काम खत्म, नहीं. जीके के लिए पूरा 60 डेज के लिए रोज़ आपको करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से चीज़ें याद रहेगी, अच्छे से चीज़ें कनेक्ट होगी, ठीक है. तो इसलिए जीके को मैंने सेपरेट कर दिया. तो ये हो आपका डिवाइड. सेकेंड स्टेप आएगा कि अपने को लेने अभी बेबी स्टेप्स. क्या लेने हैं? बेबी स्टेप, ठीक है. जैसे छोटा छोटा बच्चा जो छोटा रहता है तो कैसे स्टेप लेता है, वो धीरे 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 और धीरे धीरे सीखता है वो, वैसे ही अपने को करना है इधर. तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है इसके मैंने दे दिए 2 आवर्स सपोज, ओके, आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो. अगेन मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल के लिए मैं दूंगा 3-4 आवर्स, ओके. ये मैं अब बता रहा हूँ अगर मैं एस टी क्यू सी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ओके, और मुझे बेस्ट रैंक चाहिए तो मैं क्या करूँगा और कैसे करूँगा, ओके, ये मैं बता रहा हूँ. बाद में क्वांट के लिए अगेन 2 आवर्स में दूंगा और जीके के लिए भी मैं 2 आवर्स दूंगा, ठीक है. तो लगभग आपका कितना डिस्ट्रीब्यूशन देखे, लगभग 10 घंटा आपका पढ़ाई हो रहा है, ये मिनिमम है, ओके, ये मिनिमम है. अगर इससे ज़्यादा भी हो सके आपका तो बेस्ट ही होगा, ओके, उसमें बेस्ट ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक तो ये हो गया बेबी स्टेप, ठीक है. अभी थर्ड जो है कि एक आपको चेकलिस्ट बनाना है. क्या बनाना है? चेकलिस्ट. तो चेकलिस्ट में आपके थोड़े थोड़े पेज छोड़ के 4 कैटेगरी बना लो पहले तो, ठीक है.
उसमें क्या होएगा आपका कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मैंने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट है तो टिक करो, उससे आपको मतलब प्रोग्रेस क्या हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी, ठीक है। इसलिए एक चेकलिस्ट बना के रखो, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं टिक टिक करते रहो, जो भी ऑब्वियसली मैंने आपको दिया है ओके, उसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और अपने पीसी में चाहे तो एक्सेल में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है जैसे आपको मेंटेन करना है। प्रेफर मैं आपको बोलूँगा कि एक डायरी के फॉर्म में रखो, वो अच्छा रहता है, क्योंकि कितने घंटा अपना पीसी मोबाइल पे अपना जाता है राइट, तो आँखों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसलिए तो ये तीन स्टेप हो गए, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन जर्नी। तो जैसे कि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जो दिन का कभी भी आप स्टार्ट करते हो, सपोज दिन में रात में जैसे आपको प्रेफर करते हो ओके, मेन क्या है 2 आवर्स देना है, तो वो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो भी सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी दिया है उसको ही फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे आपका लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो हल्का चैप्टर है ऑलरेडी बोला मैंने आपको, बाद में फिर कैलकुलस पे आओ, डिफरेंशियल इक्वेशंस पे आओ, ठीक है, ऐसा धीरे धीरे आप कर सकते हो। एक बार एक चैप्टर हो गया, सपोज मेरा लीनियर अलजेब्रा हो गया ओके, इसका मैंने थ्योरी पढ़ लिया, थोड़े एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए, तो आओ गेट प्रीवियस ईयर पेपर के, किधर आना है, गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, PYQ ओके। अभी इधर जो है सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ दोनों के लिए, CSIIT के लिए, कि जो आपका STA है ओके, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए, उसके लिए गेट के 1 मार्क क्वेश्चन, ये आपका टारगेट है एक्चुअली, गेट के 1 मार्क क्वेश्चन आपको ट्राई करना है एटलीस्ट एग्जाम से पहले आपके 2 से 3 बार हो कंपलसरी ओके, STA और आधा साइंटिस्ट भी हाफ, ठीक है, 2 से 3 बार कंपलसरी गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन आपके होने चाहिए प्रैक्टिस, कब, एग्जाम से पहले। और साइंटिस्ट बी के लिए अगर मैं बोलूँ तो गेट के जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है आपके, गेट के 2 मार्क्स क्वेश्चन है वो आप करो ओके, इधर भी आप 1 से 2 बार कर सकते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन लो जो मैंने पहले ही बोला, जैसे कि 180 मिनट्स में हो सके, क्योंकि आपके पास 120 क्वेश्चन टोटल है राइट, तो छोटे क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप बोल सकते हो ओके, ज़्यादा लेंदी वाले नहीं, क्योंकि 2 मार्क्स में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन फ्रेम होते हैं गेट में, तो वो आपको टच नहीं करना है, वो देना भी नहीं अपने को, अगर उससे आप कंसेप्ट निकाल पाओ तो बेटर है, लेकिन ठीक है चलेगा, ठीक है, लेकिन इस पे फोकस करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका राइट। तो कैसे करोगे, अभी एक तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया लीनियर अलजेब्रा सपोज, तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 1 मार्क के पूरे सॉल्व करो ओके, 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो पूरे एक बार सॉल्व करो। अभी इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे राइट, तो जो नहीं आए उस पे स्टार लगा दो, ताकि आपको आगे जो आप सेकेंड राउंड मारोगे इसका, जो से मैंने आपको बोला है 3 बार, तो सेकेंड राउंड पे आपको समझ आएगा क्योंकि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है, तो फिर से आपका ये अच्छे से रिवाइज होगा, प्रैक्टिस होगा इस तरीके से। सिमिलरली आप 2 मार्क्स पे जाओ, 2 मार्क्स से भी इस तरह कर सकते हो ओके। अभी सेकेंड राउंड कब करना है ये आपके ऊपर है, एक तो लीनियर अलजेब्रा हो गया ओके, फर्स्ट राउंड हो गया, प्रॉपरली नोट्स निकालो जो भी आप ओके, देखो क्वेश्चन के थ्रू भी हम कंसेप्ट सीखते हैं ओके, फर्स्ट थिंग, ऐसा नहीं है पूरा नोट्स में से आप कंसेप्ट सीखोगे, ऐसा कभी नहीं होता, क्वेश्चन के थ्रू भी बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है पढ़ने को और सीखने को, ठीक है, इसलिए उसका भी नोट्स बना दे रहा हूँ साइड बाय साइड, जो भी आप सीखोगे क्वेश्चन के थ्रू ओके। और सेकेंड राउंड कब कर सकते हो, पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट होने के बाद कर सकते हो ओके, एक दिन लीनियर अलजेब्रा ले गया, एक दिन मैंने कैलकुलस ले लिया, एक दिन डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, इस तरीके से आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपरली आप पढ़ाई करो, ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो गया। बाद में फिर आपका सेकेंड आता है, वो आता है टेक्निकल का ओके। अभी टेक्निकल का इधर चैप्टर वाइज जो 300 क्वेश्चन दिए मैंने ओके, वो दिए हैं इसे, उस पर मतलब उड़ी नहीं मारना है ओके, थोड़ा प्रॉपरली सब्जेक्ट कंप्लीट करो एक एक और फिर उसको टच करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट उसको टच करोगे और फिर मतलब नहीं ओके। तो क्या करोगे टेक्निकल में, जैसे आप स्टार्ट करोगे, अभी देखिए उधर मैंने आपको बोला हाई वेटेज टू लो वेटेज टॉपिक्स राइट, लेकिन पढ़ाई करते हुए आप ऐसे नहीं कर सकते, एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है। तो स्टार्ट आपको करना है सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम, ये आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा ठीक है। बाद में फिर आप डिजिटल सर्किट्स पे जाओ ओके, बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओ, COA पे जाओ, बाद में फिर कंप्यूटर नेटवर्क लो, DBMS लो, तो इस तरीके से आप प्रॉपरली जाओगे और बाद में जो अदर सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हो ठीक है। लेकिन इसमें से भी आपको पता है जैसे कि CN हाई वेटेज है, तो एक एक टॉपिक पे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, इसका रिवीजन ज़्यादा बार करना है, इसके फॉर्मूले हर एक प्रॉपरली याद होने चाहिए, एक एक छोटी चीज़ भी इसकी मिस नहीं होनी चाहिए ओके, ये आपको पता है क्योंकि ये आपका हाई वेटेज सब्जेक्ट रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है, लेकिन सीक्वेंस आपका यही रहेगा पढ़ाई का ओके प्रॉपर। तो जैसे कि अभी आपने सी प्रोग्रामिंग कर लिया, डेज कर लिया, एल्गोरिथम कर दिया, तो ये होने के बाद फिर से गेट के प्रीवियस ईयर वही सेम कंसेप्ट रहेगा, 1 मार्क 2 मार्क दोनों के लिए ठीक है। और फिर आपको चाहिए तो आप चैप्टर वाइज टच कर सकते हो आराम से ओके, तो ये आप कर सकते हो, फिर ऐसे एक एक करके आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाओ और इधर भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। और नहीं तो क्या कर सकते हो,
अभी गेट के क्वेश्चन आप पूरा कर रहे हो, इधर गेट के 1 मार्क 2 मार्क्स सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो पूरा एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए और एटलीस्ट 60-80% हो जाए, मतलब जो अपने हाई वेटेज सब्जेक्टिव वो सब हो जाए, तभी भी चैप्टर वाइज को आप टच कर सकते हो। ओके, ये बेटर रहेगा क्योंकि इधर सिर्फ गेट के परीक्षा प्रैक्टिस करो और बाद में फिर चैप्टर वाइज करो, ठीक है। मॉक टेस्ट जो 3 है उनको लास्ट में ही लेना है जब आपका पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म हो। ओके, चाहिए तो मैं बताऊंगा, वीडियो डालूंगा उसके लिए कब देना है मॉक टेस्ट, उसके लिए भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। जस्ट अनाउंसमेंट होगा तब मैं आपको डेफिनेटली फिर से गाइड करूंगा, वो टेंशन मत लो। फिलहाल समझो इनिशियल स्ट्रैटेजी क्या है अपना, इस तरीके से आप जाओगे, ओके, एक एक चीज़ आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ये तो हुआ। अभी देखिए कुछ कुछ जो स्टूडेंट है उनको लग रहा है कि क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो गेट के क्वेश्चन आप देखो एक बार, ओके, लास्ट अगर 25-28 ईयर्स तक आप क्वेश्चन देखो, काउंट करो, जस्ट काउंट क्या है, और इतना आप सोचो कि आपका होगा कि नहीं। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी इस लेवल पे मार्केटिंग हो रही है, 10,000 क्वेश्चन, 15,000 क्वेश्चन, ओके, तो उसके लिए आपको लग रहा है कि इतने क्वेश्चन करने के बाद ही सिलेक्शन होता है, जो कि गलत है। ओके, तो वो मार्केटिंग का एक स्ट्रैटेजी है उनका, इसलिए वो बोलते हैं 10,000 क्वेश्चन, 10,000+ क्वेश्चन, ये सब फालतूगिरी है इन शॉर्ट में बोलूँ तो, ठीक है। इसलिए इस पे मत जाओ, जितना भी क्वालिटी है, अगर क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्वालिटी कंसेप्ट बनेंगे, और क्वालिटी कंसेप्ट बनेंगे तो ही क्वालिटी का आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए गेट के क्वेश्चन को मैं बोला आपको 2-3 बार लगाने हैं, फिर आपके 300 क्वेश्चन ये भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि कुछ भी डाउट ना रहे अभी आपके साइड पे, ठीक है, कि मेरा प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कम हो गया, इसलिए 300+ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, और आपके लास्ट में 3 मॉक टेस्ट है उसमें क्वेश्चन है, तो इतने करो और फिर क्यों नहीं होगा सिलेक्शन वो हम देखते हैं, ठीक है। मतलब मेन चीज़ ये है कि चांसेस अपने जो है सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, जो हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, ओके, उसको इंक्रीज करना है इधर, उसके लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इसके लिए फोकस्ड वे चाहिए, डेडिकेटेड पाथ चाहिए, और मेरा क्या कुछ कंपनी नहीं है जिसके लिए मैं आपको बोलूँ कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, ओके, ये फालतू के मेरा नहीं है क्योंकि मेरा कंपनी नहीं है इन शॉर्ट, तो इसके लिए आपको ये समझना है, ठीक है। तो प्रॉपर फोकस वे से अच्छी तरीके से इसको समझो और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश बेस्ट तरीके से करो, और डेफिनेटली आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, ओके, दोनों पोस्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, ना कि एक पोस्ट के लिए, क्योंकि स्ट्रांगली रिकमेंड मैंने किया ही आपको है कि दो पोस्ट के लिए अप्लाई करो, और आई होप आप करोगे, ठीक है। इसमें फूई मत देखो कि 800 रुपये, 400 रुपये, ठीक है, जाएँ दो एक बार, एक 70 साल, ओके, आपके लाइफ के 70 साल का सवाल है, 70 ईयर्स आपके आपके फैमिली के सिक्योर होने वाले हैं, तो इसके लिए अगर आप 800 रुपये देखोगे, ओके, तो डेफिनेटली गलती हो जाए। तो ये तो हुआ मेरा टेक्निकल सेक्शन, अभी जाते हैं हम दो थर्ड आपका ग्रुप है जो है क्वांट, ओके, और क्वांट कंप्लीट करोगे आप तब क्या करोगे, स्टार्ट रीजनिंग करोगे, ठीक है। तो अभी क्वांट के लिए जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, जैसे आप स्टार्ट करोगे परसेंटेज रेशो, ये तो कंपलसरी इसके स्टार्ट करना है आपको, बाद में फिर किधर भी जा सकते हो, कोई भी चैप्टर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। रीजनिंग में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले सकते हो चैप्टर, जिससे भी आपको लगे अच्छा है वो ले लो, ठीक है। तो और जो भी नए हैं अभी स्टूडेंट है और जिनको प्रॉब्लम हो रहा है क्वांट रीजनिंग में, तो अपना जो DFCCL का सीरीज चल रहा है ऑलरेडी, DFCCL न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप फॉलो करो उसको, ओके, और फिर आप आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन लगाओ, तो डेफिनेटली उससे आपको बहुत अच्छी हेल्प होगी, ठीक है। तो क्योंकि नारेट और उसका सेम ही सिलेबस है क्वांट का, मतलब ये नॉन टेक्निकल का, इसलिए, ठीक है। और बाद में फिर आपके पास क्यू बॉक्स है, डेली आपके क्विजेस आ रहे हैं, अभी जो नए हैं वो क्यू बॉक्स को हिट मत करो, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन है आपके, जिनका प्रिपरेशन लगभग खत्म होने को आया है, क्यू बॉक्स के डेली 5-6 टेस्ट लगाओ, ओके, कंपलसरी लगाओ, इससे बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। टेलीग्राम PDF भी आपका आ रहा है क्वांट का, उसमें भी डेली आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी करो, ठीक है। इसका अलग इंपॉर्टेंस है, इसका अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हर एक का एक इंपॉर्टेंस है, इधर मैंने लिखा है, अलग अलग रोल है उनका, तो उसको समझना है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया, बाद में और क्या मैगजीन में भी दिया है, लेकिन बस इतना मत करो, ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, और आर एस अग्रवाल के थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्जाम लेवल जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना प्रैक्टिस, वो आपका इससे ही होने वाला है, ये एक है, आर एस अग्रवाल से आपका बेसिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, लेकिन एग्जाम लेवल जो है वो इधर से होगा, ठीक है, इन शॉर्ट। तो सेम स्ट्रैटेजी रीजनिंग के लिए फॉलो करना है, और बाद में लास्ट में आपका आता है GK, तो GK में भी मैंने दो इसको बांट दिया है, एक तो आपका करंट अफेयर, जिसको मैंने बोला कि 50% आपका पोर्शन करंट अफेयर से रहेगा, 50% आपका किससे रहेगा, नॉर्मल सभी जो आपके बाकी के सब्जेक्ट है उससे रहेगा, ठीक है। अभी GK को तो हम 2 घंटा दे रहे हैं रोज का, राइट, तो ट्राई करो 45 to 1 आवर इसको आप दो करंट अफेयर्स को, ओके। अभी इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ है आपके, एक तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है, तो आपके पास अभी मैगजीन है, राइट, मैगजीन को पूरा अच्छे से आपके लास्ट 12 मंथ के है, अभी इसमें दो आपको वेज बता दो क्या कर सकते हो, एक तो मेरे पास 12 मंथ का जो है, ओके, जितने भी अभी मतलब जून मंथ तक मेरे पास आए हैं, राइट, जून मंथ तक मेरे पास
मैगजीन आया है, तो मैं कह सकता हूँ कैटेगरी वाइज स्टडी कर सकता हूँ, कैटेगरी वाइज। मतलब मैंने आज सोचा कि आज मैं सिर्फ डे पढ़ूंगा, ओके, इंपॉर्टेंट डेट जो है वो पढ़ूंगा, तो पूरे के पूरे जो 11 मैगजीन है 11 मंथ के, उसके पूरे के पूरे मैं डेज पढ़ूंगा, ठीक है। सपोज एक मंथ में आपके 5-6 तो होते हैं, ओके, कभी कभी 7-8 होते हैं, 5 भी अच्छे पकड़ लो तो टोटल 66 डेज हो गए, तो अच्छे से आपका ये जो कैटेगरी है डेज का ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सिमिलरली नेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ में थोड़े आपके करंट अफेयर ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मतलब इसमें करंट अफेयर्स रहेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, चाहे देखता हूँ मैं अगस्त का देखता हूँ, ओके, जून का भी देखता हूँ, तो इस तरीके से करो, मई का देखता हूँ, बहुत सारे वेज है, राइट। तो एक तो इसमें कैटेगरी में स्टडी करो, नहीं तो सिंपल जो है आपका एक मैगजीन लो अगस्त मंथ का, पूरा ख़त्म करो, फिर सितंबर में जाओ पूरा ख़त्म करो, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको दो अप्रैल मैंने बता दिया। बाद में डेली क्यू बॉक्स में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के, उसको मिस नहीं करना है, राइट। डेली करंट अफेयर्स के क्यू बॉक्स क्वेश्चन जो है उनको मिस नहीं करना है, कंपलसरी ये आपको देना है डेली, ओके। इससे आपका जो करंट में चल रहा है, जो मतलब आज अभी 12 जून है सपोज, तो आज क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको देना है, मैगजीन तो आपका आएगा तब आपका और ज़बरदस्त रिविजन होगा, लेकिन ये आपको क्विज देना है, ठीक है। और थर्ड, आप इसके जो है जनरल अवेयरनेस का एक PDF आता है जनरल अवेयरनेस नाम का, तो ये आपको रात को जस्ट सोने से पहले 5-10 मिनट इसको दो, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों से आपके करंट अफेयर्स चालू होंगे। करंट अफेयर मतलब करंट मंथ के, जैसे कि जून चल रहा है, बाद में जुलाई चलेगा, अगस्त चलेगा, इस तरीके से, ओके। और मैगजीन से आपके प्रीवियस चलेंगे। क्यू बॉक्स में प्रीवियस टेस्ट भी है, वो भी आप दे सकते हो, अगर आपको चाहिए अगस्त तो जस्ट थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करना पड़ेगा, ओके, नहीं तो सर्च में जस्ट अगस्त डाल दिया ना, तभी आपको मिल सकते हैं अगस्त के टेस्ट, ओके। तो अगस्त के 1st to 31st तक आपको टेस्ट मिलेंगे, वो भी आप सॉल्व करो, लेकिन पहले मैगजीन पढ़ो, ओके, पहले थ्योरी पढ़ो, बाद में फिर क्वेश्चन करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हुआ मेरा करंट अफेयर, बाद में जनरल स्टडीज़, ओके। इससे अभी इसमें भी सीक्वेंस है, ओके, इसमें भी सीक्वेंस है प्रॉपर, वो क्या है, पहले आप हिस्ट्री करो, बाद में फिर आप कर सकते हो पॉलिटी, बाद में इकोनॉमिक्स, बाद में साइंस, और लास्ट में ज्योग्राफी करो, ओके। ये प्रॉपर आपका सीक्वेंस होने वाला है जनरल अवेयरनेस के और जनरल स्टडीज़ के लिए, सॉरी, ठीक है। तो इसमें भी सेम अप्रोच रहेगा आपका, लूसेंट से फटाफट पढ़ोगे आप, ओके, फटाफट कंप्लीट करोगे उसको, बाद में फिर क्यू बॉक्स पे आओगे, तो क्यू बॉक्स पे क्या करना है आपको, क्यू बॉक्स के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन और जनरल स्टडीज़ के क्विज भी आपको कैसे आ रहे हैं, जैसे कि आज आएगा हिस्ट्री का, कल आएगा ज्योग्राफी का, ओके, ऐसे मतलब हिस्ट्री के ही क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी इसमें मिक्स नहीं दे रहा हूँ मैं फिलहाल। और सिमिलरली आपके जो टेलीग्राम पे PDF है वो भी आपको इस तरीके से ही मिलेंगे, इस तरीके से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ हमको कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका ना एक पोर्शन ये स्टैटिक है, एक मतलब फिक्स है, एक बार आपका हो गया ना तो जस्ट इससे आप पूरा मतलब जो रिमेमरी का काम है, ओके, जो दिमाग में भरने का काम है वो आपका क्यू बॉक्स करेगा और टेलीग्राम PDF करेगा, ओके। डेफिनेटली मैगजीन में भी 250 क्वेश्चंस आपके हैं जनरल स्टडीज़ के, वो भी आप कंप्लीट करो, ओके। तो 250 × 12 मैगजीन, तो आप कर लो कितना होता है, राइट, तो उतने आपके कंप्लीट होंगे। तो ये तो हो गया सब आपका जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज का, इतना प्रॉपरली स्टडी हार्डवर्क करना है, कुछ कुछ को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा चीज़ है, और ऑब्वियसली आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी का पोस्ट मिल रहा है, राइट, और गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इतना तो करना पड़ेगा, ओके, ये मिनिमम चीज़ें हैं। तो ओके, थोड़ा बहुत फर्स्ट वीक में लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे, ऐसे ही आपका 6 में आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाद में फिर आप नॉन टेक के जो 10 मॉक टेस्ट है वो दे एक साथ दो, बाद में फिर आपके 3 जो है ये एग्जाम डेट जैसे डिक्लेयर होता है वैसे फिर स्टार्ट करो, ठीक है। उससे पहले इसको टच मत करो, प्रॉपरली सिलेबस करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें मॉडिफाई जो आपका किया है पैकेज उसमें आपको दे दी है, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये आपका पैकेज जो है वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अपने आप वेबसाइट पे आओगे अपना government.org, तो इधर जाना है नारी डिस्ट्रिक्ट, उसी में और CS और IT है, ओके। तो अगर CS से हो तो CS करो, IT से हो तो IT करो और क्लिक करो, तो पूरा जो डिटेल्स है आपको उधर मिल जाएगा। तो ये आपका जो पूरा डिटेल्स है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उधर पूरा लिखा है, ये अपने टेस्ट इधर है, ऑलरेडी एक अटेम्प्ट टेस्ट के लिए अटेम्प्ट किया था मैंने, ठीक है। तो ये आपका है और नीचे भी आपके पूरे डिटेल्स है और एप्लीकेशन का जो लिंक है अपना जिधर आपको बैच में जॉइन होना है, ओके, वो भी आपको इधर से ही मिलने वाला है। ये आपका एप्लीकेशन का लिंक है, ओके, प्रॉपरली सब अरेंज है, तो ये पढ़ो सब अच्छे तरीके से और इसको सब्सक्राइब करना है कंपलसरी, और जो आपका प्लान है उस पर अभी इम्प्लीमेंट स्टार्ट करना है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा है आपके लिए, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बहुत ज़्यादा रखा है, ओके। जितना भी चीज़ें इसमें मैंने दी है तो उसके अगर अलग अलग आप कॉस्ट निकालोगे तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपका प्रिपरेशन प्रॉपर होना चाहिए, यही एक मेरा टारगेट है, ओके, और बेस्ट रैंक से आपका जो सिलेक्शन है वो लो, यही मेरा टारगेट है, इसलिए अफोर्डेबल प्राइस है और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा है, बहुत है ये, प्रॉपर है ये, बहुत ही कम ही है एक्चुअली जितना भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका रहेगा पूरा प्लान, ठीक है। तो लास्ट में मोटिवेशन तो यही रहेगा, ऑलरेडी मैंने दे दिया है मोटिवेशन आपको पॉडकास्ट के फॉर्म में, तो कमेंट सेक्शन में पिन करूँगा ही मैं टाइम स्टैम्प के साथ का पॉडकास्ट,
तो पॉडकास्ट देखो और पूरा चार्जअप हो जाओ। ओके, आपको इमेजिन करना है, खुद को विजुअलाइज करना है कि उसकी जगह, मतलब जो भी पॉडकास्ट में अपने गेस्ट हैं उनकी जगह आप उधर होंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, और आपका डेफिनेटली मैं इंटरव्यू लूँगा। तो इस तरीके से एक टारगेट रखो और आपका जो लाइफ आगे का होने वाला है वो भी पॉडकास्ट से आपको समझेगा कि अगर सिलेक्शन होता है तो क्या क्या आपको मिलेगा और क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपरली पढ़ाई करो, मैं तो आपके साथ हूँ ही, बस फोकस रहो, जो भी प्लान है 6 डेज का प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन पार्ट ही इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, और ये भी रियलिटी है। ओके, और कुछ भी है तो अपना जो अभी है पैकेज है अपना, क्या है, बैच है, ठीक है, एप्लीकेशन में बैच है, तो उधर मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहूँगा ही फ्रिक्वेंटली, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जस्ट टेस्ट पैक है इसलिए मेरा मतलब संबंध नहीं है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला ये कंपनी नहीं है, तो इसलिए प्रॉपरली मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा। कुछ भी डाउट हो बिंदास एप्लीकेशन पे पूछ सकते हो। ओके, कुछ भी को आराम से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल चैट में आप पूछ सकते हो। ओके, तो इससे साथ कुछ भी अभी डाउट मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा तो नीचे कमेंट करना है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगा नाइन डेस्टिक उसी का उस पर। ओके, ऑल द बेस्ट।